हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एजुकेशनल यूट्यूब चैनल हेडवे ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो लेकर। हम सभी का कोई ना कोई नाम तो होता है और हमारे नाम की कुछ राशियां भी होती हैं। आज हम उन्हीं राशियों के अंग्रेजी मीनिंग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकॉन फॉर फ्रेश नोटिफिकेशन। जब भी हम नई वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, तो बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसे ही नए नए वीडियो लाते रहें। चलिए देर ना करते हुए आज हम अपना वीडियो चालू करते हैं, आज कुछ नया सीखते हैं। लिस्ट ऑफ जोडियाक साइंस नेम इन इंग्लिश एंड हिंदी, राशियों के अंग्रेजी में मीनिंग। पहला राशि है मेष। मेष राशि का इंग्लिश मीनिंग होता है एरिस। मेष राशि का इंग्लिश मीनिंग होता है एरिस। नेक्स्ट है वृषभ। वृषभ का इंग्लिश मीनिंग होता है टोरस। याद रखिए, इंग्लिश मीनिंग होता है वृषभ राशि का टोरस। नेक्स्ट है मिथुन। मिथुन राशि का इंग्लिश मीनिंग होता है जेमिनाई। ओके, जेमिनी नहीं, जेमिनाई, याद रखिएगा। प्रोनंसिएशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है इंग्लिश में। नेक्स्ट देखिए कर्क राशि। कर्क को बोलते हैं इंग्लिश में कैंसर। उसके बाद है सिंह राशि। सिंह राशि का इंग्लिश मीनिंग होता है लियो। अगला है कन्या राशि। कन्या राशि का इंग्लिश मीनिंग होता है वर्गो। ठीक है, इसको वर्गो पढ़ेंगे, वर्गो नहीं पढ़ेंगे, याद रखिएगा, वर्गो है ये। उसके बाद आता है तुला राशि। तुला राशि का इंग्लिश मीनिंग होता है लिब्रा। अगला है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का इंग्लिश मीनिंग होता है स्कॉर्पियस। ओके, नेक्स्ट है धनु राशि। धनु राशि का इंग्लिश मीनिंग होता है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस। मकर राशि का इंग्लिश मीनिंग होता है कैप्रिकॉर्न्स। कैप्रिकॉर्न्स। उसके बाद है कुंभ राशि। कुंभ राशि का इंग्लिश मीनिंग होता है एक्वेरियस, याद रखिएगा, एक्वेरियस। मीन राशि का इंग्लिश मीनिंग होता है पाइसिस। आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और अपने राशि का इंग्लिश मीनिंग नाम आपको पता चल गया होगा। तो आज के बाद यदि आपको कोई भी पूछे व्हाट्स योर साइन, तो डोंट बी कंफ्यूज, अपने राशि का इंग्लिश मीनिंग आप यहाँ से याद कर लीजिए और दूसरे राशियों के भी मीनिंग आपको याद रखने हैं, तभी आप इंग्लिश में अच्छे हो पाएंगे। ऐसे ही छोटे छोटे और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर हम आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।